हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कनेक्शन ऑफ सर्किट्स। मतलब इससे पहले वीडियो में हमने देखा था किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक क्वाडकॉप्टर बनाने के लिए। अगर आप वो पहला वीडियो मिस किए हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने कनेक्शन ऑफ सर्किट्स को चार भाग में डिवाइड किया है। पहला, कनेक्शन ऑफ मोटर्स विद ESC, कनेक्शन ऑफ ESC विद बैटरी, कनेक्शन ऑफ ESC विद फ्लाइट कंट्रोलर एंड कनेक्शन ऑफ फ्लाइट कंट्रोलर विद RC रिसीवर। कनेक्शन ऑफ मोटर विद ESC, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक प्रोसेस मोटर्स की तीन वायर हैं और एक ESC की वन साइड पे तीन वायर हैं और दूसरी साइड पे दो जो बैटरी में कनेक्ट होगी और एक सिग्नल वायर। सो कनेक्शन ऐसा करना है कि मोटर्स की जो बीच वाली वायर है उसे ESC की बीच वाली वायर के साथ कनेक्ट कर दें और जो दूसरी दो वायर्स बचे हैं बोथ ESC और मोटर्स की, उसे आपस में कनेक्ट कर लें। अगर आपको मोटर का डायरेक्शन उल्टा करना है तो आप उस दोनों वायर को, मिडिल वायर को छोड़ के एक आपस में एक्सचेंज कर लें। इससे होगा ये कि मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कनेक्शन ऑफ ESC विद बैटरी। जैसा कि आपको पता है, हम क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं और हमें चार ESC की ज़रूरत है। तो करना हमें ये है कि हमारे जो सेंटर फ्रेम है उस पर इनबिल्ट PCB होता है, मतलब चारों ESCs पैरेलली कनेक्ट होगा विद PCB। ये हमारी सुविधा के लिए दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड साथ में दिया होता है, तो उसे हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कॉमन सी पोर्ट निकालेंगे जो कि बैटरी में कनेक्ट होगी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। तीसरा स्टेप, कनेक्शन ऑफ ESC विद फ्लाइट कंट्रोलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लाइट कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में डिटेल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो हम यहाँ यूज़ करें नासा फ्लाइट कंट्रोलर और आप यहाँ पे इसके राइट साइड पे देख सकते हैं M1, M2, M3 एंड M4 लिखा हुआ है। आपको सिंपल यही करना है कि ESC के जो चार वायर हैं उसे इस सीरियल वाइज M1, M2, M3 और M4 में कनेक्ट कर दें। चौथा और आखिरी कनेक्शन है कनेक्शन ऑफ फ्लाइट कंट्रोलर विथ RC रिसीवर, मतलब कि रिमोट कंट्रोलर रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोलर की कनेक्शन। ये काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे बस आपको करना ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लैक वाली जो है वो आपकी RC रिसीवर है। इसकी पिंस वगैरह में सारी चीज़ लिखी गई हैं, कौन सा एलिरॉन है, एलिवेटर है, रडार है, सारा चीज़ लिखा गया है। आपको सेम चीज़ जैसा कि आपको फ्लाइट कंट्रोलर में लेफ़्ट साइड में आपको दिख रही है, आपको सीरियली वाइज वैसे ही कनेक्ट करना है। एलिरॉन टू एलिरॉन, रडार टू रडार, एलिवेटर टू एलिवेटर, ये सारी चीज़ें आपको सीरियल वाइज कनेक्शन करनी है। तो ये था हमारा ओवरऑल कनेक्शन ऑफ फ्लाइट कंट्रोल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि क्वाडकॉप्टर बनाने में जो कंपोनेंट यूज़ होती हैं उसे कनेक्ट कैसे किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ की डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि ESC होती क्या चीज़ है, ब्रशलेस मोटर क्यों यूज़ किया जाता है, ब्रश्ड मोटर क्यों यूज़ नहीं किया जाता, ESC कितने टाइप्स के होते हैं, ये फ्लाइट कंट्रोलर होती क्या चीज़ है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे।